हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 3, एल्कोहल फिनॉल और ईथर का लेक्चर नंबर 3 है। अभी तक दो लेक्चर अपलोड कर चुके हैं जिसमें एल्कोहल और फिनॉल और ईथर का क्लासिफिकेशन और उसके नोमेनक्लेचर के बारे में बताए। ये लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 में हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल किया था, यानी कि एल्कोहल बना लिए। अब एल्कोहल आपका बन गया, प्रोडक्ट तैयार है, तब इसको मार्केट में ले जाकर अभिक्रिया कराना है। देखेंगे कि ये किससे किससे अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो यानी कि आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एल्कोहल किससे किससे अभिक्रिया करेगा, ठीक है। तो लगाइए हेडिंग, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल किससे अभिक्रिया करेगा। इसमें हम तीन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, तीन रिएक्शन पढ़ने वाले। पहला एल्कोहल का, ये जो एल्कोहल में ओ और एच होता है, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे कि ओ और एच के बॉन्ड टूटने के बीच, ठीक है, यानी कि ओ और एच, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड टूटने के बीच, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो उसके बीच का अभिक्रिया देखेंगे कि ये कौन कौन से अभिक्रिया देता है, ठीक है। दूसरा देखेंगे कि ये आर बॉन्ड ओ एच होता है, तो ये बॉन्ड देखेंगे, ये इस बॉन्ड के टूटने के पश्चात ये कौन कौन से अभिक्रिया देता है। यानी कि हम देखेंगे कि जब जब ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के मध्य बंधन बंध का विदलन होता है, टूटता है, विदलन होता फर्स्ट में देखेंगे हम लोग कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के बंध का विदलन होगा। सेकेंड में हम लोग देखेंगे कि एल्काइल और ओएच के बीच का बंध का विदलन होगा। और थर्ड में हम इसका देखेंगे एल्कोहल का ऑक्सीकरण, एल्कोहल का ऑक्सीकरण। आज हम लोग एल्कोहल का ये तीन टाइप का रिएक्शन देखने वाले हैं, यानी कि एल्कोहल में आर होता है, बॉन्ड ओ एच होता है। तो जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बीच का बॉन्ड टूटेगा तो वो कौन कौन सी अभिक्रिया करेगा वो देखेंगे। दूसरा, जब R और OH के बीच का बंध टूटेगा, यानी कि ये दोनों बॉन्ड के बीच में जब जब इसका विदलन होगा, टूटेगा, तब देखेंगे कि ये कौन कौन से अभिक्रिया करता है। और फिर एंड में देखेंगे हम लोग एल्कोहल का ऑक्सीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए क्योंकि हम ये तीनों रिएक्शन को लेकर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इसके इसके बीच का बॉन्ड को तोड़ेंगे और रिएक्शन कराएंगे। हमारे जाते आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पढ़ते हम लोग फर्स्ट पढ़ते हैं कि एल्कोहल एल्कोहल का अम्लीय व्यवहार, यानी कि एल्कोहल एक अम्ल के जैसा व्यवहार करता है। अगर ये एल्कोहल एक अम्ल के जैसा व्यवहार करता है तो हमने जो 10th में रिएक्शन पढ़ा उसको फॉलो करना चाहिए। 10th में क्या पढ़े थे कि जब कोई अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करेगा, जब कोई अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करेगा तो वहां पे क्या बनेगा, लवण के साथ साथ उससे हाइड्रोजन गैस निकलेगा। और क्या पढ़े थे कि जब कोई अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण प्लस जल बनता है, ये भी पढ़ रखे हैं। तो अगर एल्कोहल माफ करिएगा, अगर एल्कोहल अम्ल के जैसा व्यवहार करता है तो ये उदासीन भी देना चाहिए, जल भी देना चाहिए और उदासीन लवण भी देगा। तो चलिए चेक करते हैं CH3OH, ठीक है, ये क्या है, अम्ल है। आप पढ़ लिए हैं कि अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है, आप ये जानते हैं कि जब अम्ल किसी भी धातु से, सक्रिय धातु होना चाहिए, यहाँ पे धातु कौन सी होना चाहिए, सक्रिय, जब सक्रिय धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है इससे। तो यहाँ पे देखिए CH3OH, ये हमारा एक क्या है, अल्कोहल है। एक धातु ले लेते हैं सोडियम, ठीक है, सोडियम, सोडियम क्या करेगा, ठीक है, अब इसके दो मोल लेंगे CH3 बॉन्ड OH, इसको ऐसे दिखा देते हैं, बॉन्ड OH, बॉन्ड OH।
इसका एच, इसका एच मिलकर के क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस, और ये सी एस थ्री ओ, सी एस थ्री ओ कितना है, दो है, तो दो सी एस थ्री ओ, और सोडियम क्या होगा, इससे जाके बॉन्ड बना देगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये दो है तो सोडियम भी दो होना चाहिए, ठीक है, इसको बैलेंस कर लेंगे इक्वेशन से। तो देखिए ये एक अम्ल बन रहा है, ठीक है, ये सोडियम अम्ल का बन रहा है। जब भी सोडियम किसी ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो वहां पे एक अम्ल का निर्माण होता है, सॉरी लवण का निर्माण होता है, उसके साथ साथ क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो इससे पता चल रहा है कि हाँ अल्कोहल एक अम्लीय अम्ल की तरह व्यवहार करता है। दूसरा देखते हैं, दूसरा बड़ा फेमस है कि जब भी किसी अम्ल को क्षार से अभिक्रिया कराते हैं तो उदासीन के साथ साथ उससे वाटर निकलता है, ठीक है। जब भी हम किसी अम्ल को किसी क्षार से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या निकलता है, उदासीन तथा जल निकलता है। चलिए इसको चेक करते हैं, अम्ल क्या है, अल्कोहल है। एक क्षार बताओ, क्षार बताओ Na OH, जिसमें OH ग्रुप हो वो सारे क्षार हैं, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, इसका H, इसका H और इसका OH, ठीक है। यहाँ देखिए इसका H, इसका OH मिलकर क्या बना देगा, H2O, और ये सोडियम फिर से जाके इस ऑक्सीजन से लग जाएगा तो क्या बन गया, CH3ONa। ये क्या है, लवन ही तो है, अभी तो पढ़े थे यहाँ पे, देखो ये सेम चीज ला रहा था, सेम प्रोडक्ट ला रहा है, लवन है, और यहाँ से क्या निकल रहा है, जल, वाटर। जब भी कोई भी अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है तो उदासीन और जल बनाता है, और यहाँ से प्रूव होता है कि अल्कोहल एक अम्ल है, ठीक है, अल्कोहल एक अम्ल की तरह व्यवहार करता है और ये एक अम्ल है, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, हम हट जाते हैं। रिएक्शन नंबर दो देखते हैं, फीसर एष्टीकरण। फीसर एष्टीकरण में क्या होता है कि जब एक एल्कोहल को एक कार्बोक्सिलिक से अभिक्रिया कराते हैं तो वहाँ पे एस्टर का निर्माण होता है, ठीक है, उसके साथ साथ वाटर निकलता है, और ये होता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है। देखिए बताते हैं कि जब कोई कार्बोक्सिलिक एसिड को हम किसी एल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं, किसकी, किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है, इससे जब कराते हैं तो हमको एस्टर मिलता है, ईस्टर नहीं एस्टर, ठीक है, एस्टर मिलता है, इसके साथ साथ हमको वाटर मिलता है H2O। यानी कि जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल, एक कार्बोक्सिलिक लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, सी डबल OH, ये एक कार्बोक्सिलिक है। जब एक कार्बोक्सिलिक को एक एल्कोहल से कराते हैं, एक एल्कोहल लेते हैं CH3CH2OH, एक एल्कोहल से कराए, किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में ये कराए, तो इसका H, इसका H और सॉरी एल्कोहल का H, एल्कोहल का H और इसका OH, ये दोनों मिलकर क्या बना देगा, H2O प्लस H2O, और ये इतना मिलकर के, और इतना मिलकर क्या बनाएगा, आपके सामने लिखते हैं, CH3CH C डबल बॉन्ड, ये तो OH निकल गया इसके H को लेकर के, और इतना क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन CH2CH, ये तो है एस्टर। यहाँ पे देखो ये एस्टर का रिवार हो रहा है कि नहीं, एस्टर क्या होता है, RCOOR- नहीं है, CH3C बॉन्ड O, ऑक्सीजन यहाँ पे CH2CH3, ये एक एस्टर का निर्माण हुआ है, ठीक है। यानी कि फीसर एष्टीकरण में हम लोग क्या करते हैं, जब किसी कार्बोक्सिलिक को किसी एल्कोहल से अभिक्रिया कराते हैं, किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 में, ये परबल ऑक्सीकारक होता है, ठीक है, यानी कि ये परबल ऑक्सीकारक होता है, मतलब कि हाइड्रोजन को दे सकता है, ऑक्सीजन को निकाल सकता है, तो क्या बनाता है, एस्टर, और उसके साथ साथ क्या बनता है, H2
इसके मैकेनिज्म को आपको बताते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए, मिटा दे इसको, मिटाते हैं और इसके मैकेनिज्म को बताते हैं। इसके मैकेनिज्म को देखिएगा, इसके क्रिया विधि को देखिए कि ये रिएक्शन हुआ कैसे। काफी इंटरेस्टिंग है और ये समझना चाहिए आपको, क्योंकि बहुत बार पूछा गया। आप देखिएगा किताब उठा करके, फिशर एस्टीकरण कितना बार आया है। ठीक है, देखिए, एक कार्बोक्सिलिक था CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक। इस ऑक्सीजन के पास कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसके प्रेजेंस में करा रहे, कंसंट्रेटेड H2SO4। इसके पास क्या होगा, ये अम्ल है तो ये अम्लीय गुण बहुत ज्यादा देगा, यानी H+ आयन ये बहुत ज्यादा दे सकता है। ये H+ आयन जब इस पे देगा, ठीक है, तो ये H+ क्या है, एक इलेक्ट्रोफिलिक है। ये क्या होता है, माइनस का माइनस से प्यार करता है, यहाँ जहां देखेगा इलेक्ट्रॉन वो उसके ओर आकर्षित होगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ, यहाँ और यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है, तो पाई इलेक्ट्रॉन तो कभी जल्दी टूट सकता है, तो इसलिए ये क्या होगा, H+ इस पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक इस पर अटैक करेगा। ठीक है, और इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, ये जो H+ है ये इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे जाएगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन उठा कर इस पर दे देगा। अब किसी से, किसी को अगर इलेक्ट्रॉन अपने से देगा, इलेक्ट्रॉन अगर किसी से निकल रहा है तो उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर किसी पे इलेक्ट्रॉन आता है तो उस पर क्या आएगा, निगेटिव। ये बात ध्यान में होना चाहिए, किसी पर अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो उस पर निगेटिव चार्ज चढ़ेगा, और कोई अगर इलेक्ट्रॉन लेता है तो कोई इलेक्ट्रॉन अगर देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा। अगर ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को दे, क्या बनेगा यहाँ पे, कार्बन CH3 C। यहाँ पे ध्यान दीजिए, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया दोनों इलेक्ट्रॉन दे करके। ठीक है, तो अब जैसे ही देगा इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस प्लस को दे देगा। इधर क्या था, इतना बात पता चला। ठीक है, अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देगा, देखिएगा आगे क्या होगा, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो यहीं पे बगल में क्या है, एल्कोहल है CH3 OH, क्योंकि हम वास्तविक में किसी कार्बोक्सिलिक को हम एल्कोहल से अभिक्रिया करा रहे हैं, तो एल्कोहल वहीं पे है। जैसे ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन, तो इस पर तो चार्ज हट जाएगा, लेकिन कार्बन के, कार्बन पर क्या होगा, चार्ज आ जाएगा। ये कार्बन पर क्या होगा, CH3 C, ये इलेक्ट्रॉन तो दे दिया, ये बॉन्ड तो टूट जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, एक बॉन्ड बनेगा और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर OH बना दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, चार्ज आ जाएगा। जैसे चार्ज आएगा तो यहाँ पर कौन है, एल्कोहल, यहाँ पर होगा ये एल्कोहल, ये ऑक्सीजन ये सीधा इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, माइनस, और यहाँ पे क्या गया, प्लस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक हो रहा है या न्यूक्लियोफिलिक हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक हो रहा है। ठीक है, अब कार्ब धनायन का निर्माण हो रहा है, तो ये SN1 हो रहा है, SN2 आपको पढ़ाए, ये SN1 हो रहा है। कार्ब धनायन का निर्माण किस में नहीं होता है, SN2 में होता है। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन क्या होगा, इससे जुड़ना चाहेगा, इधर क्या था, OH था, OH लिख दिया। ठीक है, आगे देखते जाइएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होगा यहाँ पे, कार्बन, ये ऑक्सीजन इससे जुड़ेगा। ठीक है, ऑक्सीजन, अब ये ऑक्सीजन इससे जुड़ेगा तो क्या होगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस पर दे देगा, इलेक्ट्रॉन दे दिया, इधर है एच, इधर है CH3, इस चीज को लिख रहे, इस एच को इधर लिख दिए, इस CH3 को इधर लिख दिए। अब ये ऑक्सीजन इससे जैसे जुड़ा, इस कार्बन से जैसे ही जुड़ा, ठीक है, इस कार्बन से, तो कार्बन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो इस पर अब जब जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर OH, इधर CH3, इधर OH। ऐसे नहीं याद रख सकते, तो आप सीधा याद रखो, जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है तो उस पर एक प्लस चार्ज आ जाता है, जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है तो उस पर कोई चार्ज नहीं। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा था, कोई चार्ज नहीं, जैसे ही 3 बॉन्ड बनाएगा इस पर चार्ज आ गया, 2 1 3 बॉन्ड चार्ज आ गया। यहाँ पे देखिएगा, जैसे ही 3 बॉन्ड बनाया
एक चार्ज आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ऑक्सीजन पर चार्ज आएगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है। ये हाइड्रोजन कहेगा कि हमारा इलेक्ट्रॉन ले लो, ठीक है। ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये बॉन्ड जो है ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, दोनों कि आप ले लो और आप खुश हो जाओ, ठीक है। हाइड्रोजन क्या होगा, एच प्लस के रूप में बाहर निकलेगा। अब ये एच प्लस क्या करेगा, यहाँ पे देखो है, अब ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, इस पर तो अटैक कर दिया ऑलरेडी हाइड्रोजन, तो अब क्या करेगा हाइड्रोजन, इस पर अटैक करेगा। जैसे इसके पास जाएगा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एच प्लस के रूप में क्या आ जाएगा, इसके पास जाएगा, इससे बना लेगा, ये एच प्लस है, इसके पास जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको दे देगा, फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और इधर क्या था सी एच थ्री, इधर क्या था ओ एच, इधर क्या बना ओ, इधर क्या बना सी एच थ्री, यही है। ये हाइड्रोजन तो बाहर निकल गया और यहाँ से चार्ज भी खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखो, इस पर प्लस आ गया, ऑक्सीजन पर प्लस आएगा तो क्या करेगा, ये कार्बन से मुंह फेरने लगेगा, ठीक है। जैसे ही कार्बन से मुंह फेरेगा तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इसको बॉन्ड, इसको यहाँ पे जैसे ही देगा तो यहाँ पे अगर ये ऑक्सीजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को देगा, ध्यान से देखो, दो बॉन्ड देगा यहाँ पे, अगर दो बॉन्ड बनना चाहेगा तो अभी कार्बन ऑलरेडी चार बना रखा है, आप जानते हैं कि कार्बन कभी भी चार से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है, लेकिन जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, यहाँ पे दो बॉन्ड का निर्माण होगा, तो ये जैसे ही बॉन्ड होगा ये क्या करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से एच एच और ओ क्या निकलेगा बाहर, एच टू ओ, एस्टर में एच टू ओ बन रहा था, एस्टर जब बना रहे थे हम लोग कार्बोक्सिलिक एल्कोहल से, एक वाटर बन रहा था, एच टू ओ क्या हुआ, एक उत्पाद बनकर बाहर निकल गया, और यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, आपके सामने लिखते हैं सी डबल बॉन्ड। अब इस पर ये जैसे दोनों इलेक्ट्रॉन देगा क्या होगा, इस पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इससे, इधर कौन है सी एच थ्री, नीचे कौन है ऑक्सीजन सी एच थ्री, और इधर क्या हुआ, इधर इधर तो निकल गया, ठीक है, इधर से कौन निकल गया, एच टू ओ बाहर लेकर निकल गया, तो क्या होगा, इससे चार्ज भी हट जाएगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो कार्बन भी खुश हो गया यहाँ पर, तो जब दो बॉन्ड बना दिया यहाँ पे ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन में प्लस आ गया तो अब क्या करेगा, ये हाइड्रोजन फिर से निकलने के लिए तैयार है कि आप दोनों इलेक्ट्रॉन ले लो, आप दोनों इलेक्ट्रॉन ले लो, हमको एच प्लस के रूप में निकाल दो। यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन एच प्लस के रूप में घुसा और बाहर किस रूप में निकल रहा है, एच प्लस के रूप में बाहर निकल रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन पर एच प्लस, इस पर पॉजिटिव चार्ज था तो ये बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटा तो क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे दिया और हाइड्रोजन क्या हुआ, बाहर हो गया, क्या बन रहा है, यहाँ पर फाइनल रिजल्ट बनाते हैं आपके सामने, सी बॉन्ड ओ, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल गया, ऑक्सीजन भी खुश हो गया, इधर क्या था, इधर सी एच थ्री, नीचे क्या है ओ सी एच थ्री, ठीक है, इधर तो कुछ नहीं है, साथ में क्या एच टू छोटा बना दिए, देखो एस्टर बना सी एच थ्री सी डबल ओ ओ सी एच थ्री, एस्टर का निर्माण हुआ कि नहीं, एस्टर का निर्माण हुआ कि नहीं, अब बताओ यहाँ पे क्या था, एक एल्कोहल लिए, एल्कोहल को हम एक कार्बोक्सिलिक से अभिक्रिया कराए, तो देखिए एस्टर का निर्माण हुआ और साथ साथ एच टू ओ बाहर निकला और साथ साथ एच प्लस भी बाहर निकला, यहाँ से क्या हुआ, एच प्लस बाहर निकलेगा कि नहीं, ये एच प्लस के बाहर में निकलेगा कि नहीं, यहाँ पे दो एक बॉन्ड था, ये हाइड्रोजन क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया, जब दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, कॉमन सेंस है, लगाओ इस चीज़ को, तो यहाँ पे प्लस आ गया और यहाँ से क्या हो गया, ये एक एस्टर का निर्माण हो गया। आप इसको नोट करिए, फिर हम शुरू से समझाते इस चीज़ को, पॉज करके नोट करिए, नोट कर लिए, देखिए ये कार्बोक्सिलिक है, ठीक है, इसको हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करेगा, वो एक अम्लीय है तो क्या करेगा, वो H प्लस देने का उसका गुण है, तो ये H प्लस इस कार्बोक्सिलिक को देगा। अब ये कार्बोक्सिलिक क्या होगा, या तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है या तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, वो देखेगा कि कहाँ जाए, यहाँ देखिएगा डबल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूमता है सब जगह, तो ये क्या करेगा, इस पर अटैक कर देगा और यहाँ पे जाएगा तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देगा और अपने साथ रख लेगा, है ना, ये हमारे साथ आ जाए, ये बन गया। अब ऑक्सीजन पर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आया तो क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड जो है उसको तोड़ देगा, दो बॉन्ड में
एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, इसलिए एक पाई बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ देगा। पाई बॉन्ड जैसे टूटा, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन जैसे देगा इस पर क्या आ जाएगा, कार्बन आयन बन जाएगा, कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इससे इससे पॉजिटिव क्या होगा, हट जाएगा। जैसे इस पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे कौन है, अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल में क्या है, इस ऑक्सीजन पर दो दो इलेक्ट्रॉन है भाई, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कार्ब धनायन बना है, ठीक है, कार्ब कटायन, कार्बन पर प्लस चार्ज आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक नाभिक इस पर अभिक्रिया कर देगा, ये देखो कार्ब धनायन के रूप में हो रहा था, SN1 बोलेंगे इस चीज को, ठीक है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर जाएगा, ठीक है, और ये ऑक्सीजन क्या होगा, इस कार्बन से जुड़ जाएगा, यहां से जुड़ गया, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, इस हाइड्रोजन को इधर दिखा दिया, इधर CH3, और ये प्लस क्या हो जाएगा, अब ये ऑक्सीजन पर देखो तीन बॉन्ड बन रहा, यहाँ पे एक बॉन्ड इधर ऑलरेडी बना रहा था CH3OH, इधर भी बॉन्ड बना रहा। देखिए यहाँ पे फिर से समझाते हैं, ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक किया, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन धनायन पर अटैक किया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, यहाँ पे SN1 हुआ, ठीक है, SN1 हुआ, तो ये ऑक्सीजन क्या हुआ, इससे बॉन्ड बना लिया, इधर हाइड्रोजन, इधर मिथाइल को लगा दिया CH3 को, जैसे ही बनेगा ये बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन पर क्या होगा, ऑक्सीजन तो इसको इलेक्ट्रॉन दिया कार्बन को, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ये प्लस क्या होगा, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या करेगा, हम स्वतंत्र भाई, हमसे इलेक्ट्रॉन ले लो, है ना, ये इस इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन को दे देगा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचता है और ऑक्सीजन आराम से इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, और ये H प्लस के रूप में यहाँ पे देखेगा कि यहाँ ऑक्सीजन के पास है इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे दोस्ती बजाने चला जाएगा यहाँ पे, और ये हाइड्रोजन क्या होगा, इससे जुड़ जाएगा, और ऑक्सीजन क्या करेगा, ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अब यहाँ पे क्या आ गया, प्लस, जैसे प्लस आएगा तो ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि अरे इधर प्लस आ गया है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहेगा हम डबल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, ये डबल बॉन्ड बनाने खोजेगा, यहाँ पे जैसे डबल बॉन्ड बनेगा तो कार्बन का कितना बॉन्ड, 2, 3, 4, 5 तो बन ही नहीं सकता, तो कार्बन क्या करेगा, इस पूरे को अलग कर देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन ले जाओ, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये तो ऑक्सीजन का, ये इलेक्ट्रॉन इस पर जाकर इसके प्लस को खत्म कर देगा, ठीक है, और ये H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आना चाहिए, प्लस चार्ज आ गया, जैसे ही प्लस यहाँ पे आएगा तो हाइड्रोजन क्या कहेगा, क्या प्लस हो गए, हाइड्रोजन फिर से अपना इलेक्ट्रॉन दे करके बाहर निकल जाएगा, तो फिर ये हाइड्रोजन ये वाला यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑक्सीजन को दे देगा, और वो भी फ्री हो गया। अब ये क्या होगा, H प्लस के रूप में बाहर निकल गया, गया था किस रूप में, H प्लस के रूप में, निकला भी किस रूप में, H प्लस के रूप में, ये क्या है, कैटलिस्ट के रूप में गया, उत्प्रेरक के रूप में गया, और उत्प्रेरक के रूप में निकल गया। ये चीज़ समझ में आया, नहीं समझ में आया तो दोबारा रिपीट करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हम हेलो एल्केन में ही पढ़ाए थे आप लोग को, हेलो एल्केन, हेलो एरिन में हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाए थे, क्या था, RMZX। इसमें दो बात बताए थे, आप दोनों बात याद रखिएगा। पहला, RMZX में मैग्नीशियम पर पार्शियल पॉजिटिव होता है, जबकि R और X पर, इन दोनों पर पार्शियल निगेटिव होता है, ठीक है, ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब भी बॉन्ड टूटेगा वो RMZX का, R और MZ के बीच का बॉन्ड टूटेगा, जब भी बॉन्ड तोड़ेंगे हम, वो ये बॉन्ड तोड़ेंगे, सही है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, RMZX में हम जब भी बॉन्ड तोड़ेंगे तो इसके बॉन्ड तोड़ेंगे, और दूसरा बात, इस पर निगेटिव रहेगा, इस पर निगेटिव रहेगा, और इस पर पॉजिटिव रहेगा, ये बात ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। अब एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को हम एक एल्कोहल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, ठीक है, तो जब हम किसी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को, यह CH3MgBr, ये क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है एक तरह का, ठीक है, इसको हम एक एल्कोहल से अभिक्रिया कराते हैं CH3OH, इससे अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए, ये CH3 इस हाइड्रोजन को लेकर के क्या बना देगा, CH
क्यों? क्योंकि इस पर है निगेटिव, इस पर है पॉजिटिव, इस पर है निगेटिव, और इसमें बॉन्ड किसका टूटेगा, तो यही बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड तो टूटेगा ही नहीं, बॉन्ड तो सिर्फ यही टूटना है। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पर प्लस है, इस पर माइनस है, तो ये माइनस क्या होगा, इस यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन क्या होगा, निगेटिव होगा, ये क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो निगेटिव जाएगा पॉजिटिव के पास, और ये पॉजिटिव जाएगा निगेटिव के पास। इतना बात पता चला। तो ये सी एस थ्री हाइड्रोजन को लेकर के सी एस थ्री से सी एच फोर बन जाएगा, ये क्या है, ये तो मीथेन है, ठीक है। यानी कि यहाँ से एक अल्केन ग्रुप का निर्माण होता है, जब एक ग्रिगनार्ड अभिकर्मक को हम एक एल्कोहल से अभिक्रिया कराते हैं तो एक अल्केन ग्रुप का निर्माण होता है, सही है। और क्या बनेगा, ये मैग्नीशियम इससे जाके लग जाएगा ऑक्सीजन से, यानी क्या बन जाएगा, यहाँ पे मैग्नीशियम एक ब्रोमीन से जुड़ा हुआ, इधर ऑक्सीजन सी एस थ्री से जुड़ा हुआ, ये बात पता चला। तो अगर आपको लंबा है ना, लंबा एल्केन चाहिए, यानी कि मीथेन ब्यूटेन पेंटेन चाहिए, तो आपको इसको बढ़ना होगा, गिरनार्ड अभिकर्मक में बढ़ाना होगा, ना कि एल्कोहल में। एल्कोहल का कार्बन तो भाग ही नहीं दे रहा, पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, ठीक है। क्योंकि हम अभी किसका रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटेगा, तो देखेंगे कि कौन कौन सा रिएक्शन होता है। तीन तरह का रिएक्शन देखे, पहला देखे थे कि अम्ल की तरह व्यवहार करता है एल्कोहल, तो उसमें देखे थे कि एल्कोहल में जो एच होता है वो हमेशा वो दूसरे कंपाउंड से अभिक्रिया करता है, जब धातु से करता है तो वहां पे एक सॉल्ट का निर्माण कर रहा था, जब ये एक अम्ल था किसी बेस से रिएक्टेंट करा रहे थे, क्षार से अभिक्रिया करा रहे थे, तो वहां भी एक सॉल्ट के साथ साथ वाटर का निर्माण हो रहा था, वो भी देख लिए। तीसरा देखे थे फीसर एस्टीकरण में देखे थे हम लोग कि कार्बोक्सिलिक और एल्कोहल को अभिक्रिया कराए थे, तो एक एस्टर उसके साथ साथ वाटर का निर्माण कर रहा था, उसके हमने मैकेनिज्म को भी देखा। इसमें हम देखे थे कि किसी गिरनार्ड अभिकर्मक को हम जब अभिक्रिया कराते हैं एल्कोहल से तो क्या बनता है, एक अल्केन का निर्माण होता है, अल्केन ना कि अल्की, अल्केन का निर्माण होता है, ठीक है। तीन तरह के पढ़ लिए, अब देखेंगे हम लोग कि एल्कोहल में जब आर और ओ के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो कौन कौन सा अभिक्रिया होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हमारे साथ है।